तो कैसे हो आप? मैं आपकी दोस्त आशी हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हम आपको कुकर की सहायता से एक कलरफुल पुलाव बनाना सिखाएंगे, वो भी बहुत सरल तरीके से। और आप इस पुलाव को जरूर ट्राई कीजिए, अपने घर में जो रिलेटिव आते हैं उन्हें जरूर खिलाइए। तो हम जो पुलाव बनाएंगे उसकी सामग्री आपको बताते हैं। उसके लिए हमने आधा किलो चावल लिए हैं, 4 हरी मिर्च ली है, अदरक आधा चम्मच, छोटा सौंफ आधा छोटा चम्मच, जीरा 1 बड़ी प्याज, खाने वाला ग्रीन कलर, खाने वाला सिंदूरी कलर, तेजपाल के पत्ते, लहसुन की कली 8, 10 से 12 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 2 छोटी इलायची, जावित्री और दालचीनी, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर। ये हमें अपने पुलाव के लिए मसाला चाहिए। देखिए दोस्तों, जो हमें प्रेशर कुकर में पुलाव बनाना है, एक कटोरी या ग्लास की सहायता से आप उन चावलों को नाप के नाप के गला देना है। ये हमारी 3 कटोरी चावल है। इन्हें अच्छे से वॉश करके इन्हें 1 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है। देखिए दोस्तों, जो हमने आधा किलो चावल लिए थे वो हमारे भिगो के एकदम अच्छी तरह से फूल गए हैं। सबसे पहले दोस्तों गैस ऑन करेंगे, उस पर हम अपना प्रेशर कुकर रखेंगे। हमने इसमें 2 छोटे चम्मच ऑयल डाला है। देखिए दोस्तों, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तेजपाल के पत्ते डालेंगे, जो हमारे खड़े मसाले थे हमने जो आपको पहले बता चुके हैं वो डालेंगे। और इन्हें थोड़ी देर चला लेंगे। फिर हम इसमें प्याज डालेंगे और जीरा डालेंगे, सौंफ डालेंगे, थोड़ी देर इन्हें भून लेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा प्याज और मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और लहसुन और अदरक का जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे। साथ ही दोस्तों हमें अपने मसाले डालने हैं। आधा चम्मच हमने गरम मसाला डाला है, 1/2 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर है, नमक स्वादानुसार जितना आप खाने में पसंद करें, मसाला भुनने के बाद दोस्तों जो हमने 3 कटोरी चावल गलाए थे हमें उसे कुकर में डाल लेना है। देखिए दोस्तों, मसालों में अच्छे से चावल को मिला लेंगे और हमने जिस बाउल से चावल को गलाया था नाप के, उसी बाउल से इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये 3 कटोरी चावल थे तो हमने इसमें 5 कटोरी पानी डालना है। जिस बर्तन की सहायता से आप चावल को नाप के गलाए उसी बर्तन से आप पानी डाले इसमें, इससे आपके चावल एक एक रहेंगे और एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। लगा देंगे और एक सीटी आने का इंतजार करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, जब आपकी एक सीटी आ जाए तो गैस को तुरंत ही बंद कर देना है और सीटी निकलने के बाद ही खोलना है। देखिए दोस्तों, हमारे प्रेशर कुकर की सीटी निकल चुकी है। अब हम इसे खोलेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे चावल अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें 1 चुटकी खाने वाला हरा कलर और इसमें 1 चम्मच पानी डाल के
अच्छे से मिला देंगे और इसके एक साइड डाल देंगे। फिर हम इसमें दूसरा कलर एक चुटकी, फिर एक चम्मच पानी लेके इसे भी अच्छी तरह से मिला के दूसरी साइड डाल देंगे। दो मिनट के बाद दोस्तों ढककर उठा देंगे और एक प्लेट में आप अपने कलरफुल चावल सर्व कीजिए। देखिए दोस्तों हमारे बहुत ही सुंदर दिखने में और बहुत ही कलरफुल और खाने में उतने ही टेस्टी कलरफुल पुलाव तैयार है बनके। इसे आप आपके घर पर जो रिलेटिव आए उन्हें जरूर सर्व कीजिए, वो इसे देख के इतने खुश होंगे और खा के उससे ज़्यादा खुश होंगे। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए, चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी ना दबाना भूलिए। दोस्तों धन्यवाद।